555 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले बाराबंकी में कल दिनांक 20/12/2022 को धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और दिल्ली में धरने के दौरान शहीद हुए 750 किसान साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनंदन यादव प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश व लालजी यादव प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न किया गया और रमेश चंद्र यादव जिला अध्यक्ष इकाई बाराबंकी, आफ्ताब आलम जिला प्रभारी बाराबंकी के सहयोग से और मंजू देवी महिला जिला अध्यक्ष बाराबंकी, मिथिलेश देवी महिला जिला प्रभारी बाराबंकी और मोहम्मद अलीम ब्लॉक अध्यक्ष मसौली, रजिया बानो महिला ब्लॉक अध्यक्ष मसौली और सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए कई विधायक व मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व विधायक राम गोपाल रावत, अन्नदाता के प्रदेश प्रभारी अभिनंदन यादव, उत्तर प्रदेश व सैकड़ों किसान साथियों ने किसान पंचायत कर ARTO बाराबंकी के खिलाफ 10 सूत्री मांग पत्र उपजिलाधिकारी बाराबंकी को सौंपा ज्ञापन और कहा कि अगर ARTO मोहतरमा बाराबंकी को भ्रष्टाचार करने से नहीं रोका गया तो अन्नदाता किसान यूनियन के अभिनंदन यादव के नेतृत्व में होगा ARTO कार्यालय का घेराव और लगेगा अनिश्चितकालीन धरना, जहां पर सहयोगी पदाधिकारी सुनील यादव प्रदेश अध्यक्ष व राम नारायण यादव जिला अध्यक्ष बाराबंकी व शुएब इब्राहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन शक्ति के सहयोग से सम्पन्न किया जाएगा। जय जवान जय किसान एकता जिंदाबाद भवदी के अभिनंदन यादव प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरुमुख सिंह, सिटी TV24 न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ रामू यादव की खास रिपोर्ट। की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के नेता ने देश के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह साहब का नाम उससे जरूर जुड़ता है। हम लोग भी करीब 30 साल से ज्यादा हो गए सक्रिय सियासत में, छात्र जीवन से लेकर आज तक अगर किसान की कोई बात किया है तो नेता मुलायम सिंह या तो चौधरी चरण सिंह यही करते, बाकी कोई किसान की बात करता होता नहीं है। भाषण देना अलग है और किसानों के लिए काम करना अलग है। ये बात हमारा कहना नहीं, पूरा देश जानता है कि चौधरी चरण सिंह साहब किसान हित की बात करते थे और मुल्क के देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी किसान की बात करते थे। सभी लोग कहते हैं किसान, गरीब, नौजवान, महिला, व्यापारी, साथ सब समाजवादी पार्टी को मानते हैं। किसान है रीढ़ की हड्डी, हम इसे खड़े अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तब गिर जाएंगे। अगर किसान कमजोर हो जाए वो खड़े रहे हैं मदद के लिए, हमेशा सबसे पहला हाथ उनका आगे बढ़ा है। जिनमें कभी किसी हिंदू मुस्लिम करने की कोई भावना नहीं रही, तो ऐसे नेता को हम सब साथी, हम सब लोग सलूट करते हैं तहे दिल से और उनका नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे।